हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार और हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं वेल्डिंग और वेल्डर का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, तो जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो पसंद है आपको तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जानते हैं वेल्डर का जो उपयोग होता है कहाँ कहाँ पर होता है। जितने भी दोस्तों इंजीनियरिंग उद्योग है वहाँ पे वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है, लगभग हर जगह किया जाता है। जैसे कि रेलवे पुलों का निर्माण करने के लिए, हवाई जहाज में, बड़े बड़े भवनों को बनाने के लिए, घरों तक में भी इसका प्रयोग किया जाता है। गेट ग्रिल वगैरह के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे है, सबसे पहले केवल लोहे को लोहार के द्वारा ही जोड़ा जाता था जिसे ताँता लगाना कहते थे, लेकिन आजकल वेल्डिंग द्वारा हर प्रकार की धातु तथा मिश्र धातु को आपस में जोड़ा जाता है। वेल्डिंग की नई विधियों द्वारा एल्युमिनियम, पीतल, ब्रास, कांसा, मिश्रित इस्पात, कास्ट आयरन व मोनल मेटल को भी आसानी से जोड़ा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे है, वेल्डिंग का प्रयोग निम्नलिखित महत्वपूर्ण स्थानों व उद्योगों में किया जाता है। जैसे रेल में, रेलवे में क्या करते हैं, रेल के डिब्बे बनाने के लिए तथा दूसरे कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हवाई जहाज के निर्मित के लिए इसमें भी इसका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। दोस्तों वेल्डिंग के द्वारा ही जो है हवाई जहाज़ के पुर्जे वगैरह को बनाया जाता है। ऑटोमोबाइल उद्योग में जैसे कि वेल्डिंग का कार्य इसमें होता है, कारें बनाना, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कारें, बसें इत्यादि तैयार करना होता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में इसका प्रयोग करते हैं। ट्रैक्टर उद्योग, ट्रैक्टर बनाने के लिए भी वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें ट्राली का निर्माण तथा दूसरे अन्य कार्य व पार्ट्स बनाने के लिए किया जाता है। ऑडियंस फैक्ट्री, इस प्रकार के उद्योग जैसे युद्ध सामग्री तैयार करने के लिए जैसे टैंक, मोटर, गाड़ियाँ, रॉकेट, तोपे, बंदूक इत्यादि बनाने के लिए भी वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। आगे दोस्तों छठा देखिए, छठा पॉइंट आपका भवन निर्माण में यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बड़े बड़े भवनों के ढांचे तैयार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ब्रिज यानी पुल बनाने के लिए भी वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। बांध बनाने के लिए, बड़े बड़े बांध बनाने के लिए वेल्डिंग का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इन सारी जगहों पे भी इनका प्रयोग किया जाता है। अंतरिक्ष उद्योग में, यह आजकल का आधुनिक उद्योग है, इसमें मशीनों का निर्माण वेल्डिंग के द्वारा ही किया जाता है। फर्नीचर बनाने के लिए आजकल इस उद्योग का लगभग सारा काम वेल्डिंग के द्वारा ही होता है, जैसे लोहे के पाइप से तैयार फर्नीचर, अलमारियाँ, मेज, कुर्सियाँ इत्यादि भी वेल्डिंग के द्वारा बनाई जाती है। भारी उद्योग जैसे हैवी इंडस्ट्री, बड़े भारी व उद्योग की स्थापना वेल्डिंग के बिना असंभव है। इसमें सीमेंट उद्योग, कपड़ा मिल, चीनी मिल, पेपर उद्योग तथा तेल शोधक कारखाने द्वारा दवाई बनाने के कारखाने इत्यादि, इनमें भी दोस्तों वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। आगे खनिज पदार्थ उद्योग, इसमें मैंगनीज उद्योग भी कहते हैं। इसमें पृथ्वी के नीचे से खनिज पदार्थ निकालते हैं, उन्हें साफ किया जाता है। तांबा उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, कोयला उद्योग इत्यादि, इन सारे खनिज उद्योग में आते हैं। साइकिल उद्योग, साइकिल बनाने के लिए वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। भारी मशीनें बनाने के लिए भी वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जहाँ हैवी मशीनें बनती है वहाँ भी वेल्डिंग का प्रयोग होता है। आगे दोस्तों आपका है छोटे उद्योगों के लिए, छोटे छोटे उद्योगों में भी जैसे वेल्डिंग का काम अधिक किया जाता है, जैसे बॉयलर बनाने के लिए, साबुन बनाने वाले, वाटर टैंक बनाने के लिए, पुराने ढांचे इत्यादि को उखाड़ने के लिए, पुराने ढांचे को दोस्तों जैसे कि नया करना हो तो पुराने कारखाने, पुल, इमारतें तथा पुराने ढांचे उखाड़ने के लिए वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है। रिपेयर या मुरम्मत के लिए, आजकल अधिकतर धातुएं से बनी होती है, वस्तुओं की रिपेयरिंग के लिए वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, टूट फूट हो जाए तो वेल्डिंग द्वारा उसको रिपेयर कर सकते हैं। आगे आपका है जिग पिक्चर बनाने के लिए, जिग और पिक्चर बनाने के लिए व दूसरे जुगाड़ बनाने के लिए वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। जिग पिक्चर दोस्तों होता है जुगाड़, यानी किसी चीज़ को टेक्निकल रूप से बनाना, उसको जिग पिक्चर कहते हैं। जुगाड़ बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बिजली व दूरदर्शन वट के टावरों को स्थापित करने के लिए बड़े बड़े बिजली घर, बिजली सप्लाई व दूरदर्शन के टावर भी वेल्डिंग की सहायता से ही बनाए जाते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये थी सारे जो वेल्डिंग और वेल्डर का यूज़ इन सारे स्थानों पर होता है। ठीक है, और आपके विचार में कहाँ कहाँ पर होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो कैसी लगी ये जानकारी पसंद आई तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।